भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने वैकेंसी निकाली है, वो पूरा देख लीजिए क्या सैलरी है, बता चुका 55,000 तक की सैलरी दे रहे हैं इन हैंड। और प्रोजेक्ट इंजीनियर की इन्होंने वैकेंसी निकाली है, पोर्ट ब्लेयर के लिए निकाली है, गुड़गांव के लिए निकाली, कोची के लिए, गांधीनगर, कोलकाता, विधायक, चेन्नई, मुंबई, जहाँ के लिए आपको सुटेबल है वहाँ के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नंबर आप पोस्ट 9 निकाली है, ठीक है ये, और नंबर आप पोस्ट 14 निकाली है, ठीक है। तो टोटल जो है ये 20 टोटल जो है ये आपकी वैकेंसी 23 वैकेंसी निकाली है इन्होंने, ठीक है। विजाग और बेंगलोर के लिए देख लीजिए जनरल 14 वैकेंसी है, जनरल की 5 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, ओबीसी की 4 हैं, एससी की 2 हैं, एसटी के लिए 1 है। वहीं पर मुंबई, चेन्नई, विजाग, कोलकाता, गांधीनगर, कोच्चि, पोर्ट ब्लेयर, कवरात्री के लिए देख लीजिए जनरल के लिए 6 हैं, ओबीसी के लिए 2 हैं, एससी के लिए 1 है, ठीक है। फर्स्ट ईयर आपको जो अपॉइंटमेंट होगा तो आपको 40,000 इन हैंड मिलेगा, सेकेंड ईयर में आपको 5,000 बढ़ा दिया जाएगा, थर्ड ईयर में 50, और जब आप फोर्थ ईयर में पहुँचेंगे ज्वाइनिंग के तो आपको 55,000 इन हैंड मिलेगी। अब पूरा आप इसका देख लीजिए एज क्रिटेरिया की बात करें तो 32 साल इन्होंने रखी है, लेकिन ये जनरल के लिए है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। अगर आप ओबीसी में तो आपको 3 साल का, और अगर आप एससी में हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। क्वालिफिकेशन मैं बता चुका हूँ, 4 साल का आपका बीटेक होना चाहिए, लेकिन आपका बीटेक और बीएससी इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, कम्युनिकेशन में होना चाहिए, टेलीकॉम में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन में होना चाहिए, ठीक है। जो मिनिमम परसेंटेज आपका होलसेल डिग्री में होना चाहिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 55% रखा है इन्होंने, ठीक है। और वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए केवल पासिंग मार्क्स मांग रहे हैं ये। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लो, सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन टेस्ट इंटरव्यू 35% होना चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए वही 30% इन्होंने पासिंग मार्क्स रखा है पीडब्ल्यूबीडी और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। अप्लाई करने के लिए पूरा देख लीजिए 12 जुलाई से आपको पहले आपको अप्लाई करना है, ठीक है। 12 जुलाई रात 12 बजे से पहले आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फीस की बात कर लें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए इन्होंने 472 रुपये रखी है फीस, वहीं पर एससी और एसटी के लिए कोई फीस नहीं रखी है, ठीक है। तो ये पूरा आप लोग देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप लोग वहां से जाके पूरा पढ़ लीजिएगा इसको। और कोई भी फर्दर डिटेल के लिए इन्होंने ऑफिशियल नंबर दे रखा है, ईमेल आईडी दे रखी है, इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। लास्ट डेट ध्यान रखिएगा 12 जुलाई 2023 है।